महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं, तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी जगत गुरु नहीं थे, इनको वेदों के बारे में कह कह का भी ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल परिचित नहीं थे। श्री कृष्ण जी को तो कह कह का भी नहीं पता, ना गीता जी का ना वेदों का। अब ये बातें जो आप जी के गले नहीं उतर पा रही थी, अब उतरेंगी, क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण हमारे साथ हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, आराम से हम समझेंगे। अब सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण ही विष्णु था, यानी जो श्री कृष्ण रूप में विष्णु ही आए थे। ये देखिएगा, श्री सुधा सागर में श्रीमद् भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके 549 पृष्ठ पे, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 549 पे आपको ले चलते हैं, 549 पृष्ठ पे दसम स्कंद अध्याय 3। जिसमें भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, जन्म का अवसर आया, और आविर्भाव माने जन्म, स्वर्ग में देवताओं की दुंधुबियां अपने आप बज उठी, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लिया। विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। अभी हमने सिर्फ इतना ही लेना है कि श्री विष्णु ही देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, श्री कृष्ण ही विष्णु है। अब श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी जगत गुरु हैं या अज्ञानी हैं, ये अपने सदग्रंथ ही प्रमाणित करेंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप हिंदी, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर प्रथम स्कंद में पहला स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 28 पे नारद जी और व्यास जी का संवाद है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से अर्थात विष्णु जी से किया था। अब विष्णु जी समझोते श्री कृष्ण जी, देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं और जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। यह भूल सभी का पड़ रही है, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं।
ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। ये महान तप करना भी काल प्रेरणा ही है, वेदों और गीता में नहीं है। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? ये प्रश्न है ब्रह्मा जी का श्री विष्णु अर्थात कृष्ण जी से। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु अर्थात कृष्ण जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं, दुर्गा हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे भी यह विषद हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, निष्कर्ष दे दिया भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मेरा निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी उसी की पूजा करता हूँ, दुर्गा की। विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान प्रभु नहीं। अपुन आत्मा इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी जगत गुरु नहीं थे, इनको वेदों के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल परिचित नहीं थे। अब श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे आध्यात्मिक नॉलेज में, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जितना मुझे पता है, मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और दुर्गा क्या कह रही है, इसी देवी पुराण के सातवें स्कंद में 562 पृष्ठ पर देखिएगा। ये सातवां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहां से देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले
प्राणी सचित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या कह रही है दुर्गा कि उस ब्रह्म की पूजा करो। अब ये बोल तो रही अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का की तरफ और नाम बता रही है ब्रह्म का। प्रणव यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ओम नाम जप ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख। सीधी सी बात, आगे देखिए। अब दुर्गा कहती है मेरी पूजाएं भी नहीं करनी, सब बातें छोड़ दो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आ रहे, यहां देखो इस आत्मा का, गीता दुर्गा कहती है सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी नहीं करनी, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, या परमात्मा लिखना चाहिए, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर से उस पार जो ब्रह्म है, ओम का जाप कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और यहां कमाल, वो कहां रहता है ब्रह्म? ओम नाम के जाप से तुम कहां जाओगे? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है ये ब्रह्म, और उसका ओम नाम है, उसकी जाप करोगे, वो वहां ऊपर रहता है, उसको प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अपुण्य आत्माओं, आदम शिक्षित है, शिक्षा का यदि कोई लाभ है, कोई गुण है, तो ये अनमोल गुण है कि हम परमात्मा को पहचान सकेंगे, हम परमात्मा की परिभाषा को स्वयं समझेंगे और देखेंगे उनके इतिहास में, और फिर हम परमात्मा को पहचान लेंगे। श्री विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं जानता, मुझे पता नहीं। दुर्गा कह रही है कि ओम नाम जाप करो, ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी पूजा भी नहीं करनी। और दुर्गा ब्रह्म को फाइनल मान रही है। अब ब्रह्म क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता में ये ब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष कहो, इसे काल कहो, ये काल बोल रहा है। किस ब्रह्मांड का स्वामी? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। श्रीमद् भगवत गीता को ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रमाणित हो चुका है आपके समक्ष। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम यह केवल ओम एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, सो जो शरीर छोड़कर जाता है, सह याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली गति को, वो श्रेष्ठ गति है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको प्राप्त हो जाएगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ओम के जाप करने वाले ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनरावृत्ति में है, यानी वहां गए हुए भी प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी भी जन्म और मृत्यु दुर्गति जो की तो बनी रहेगी, भले ही उनका स्वर्ग समय अधिक हो सकता है।
अब गीता ज्ञान दाता क्या कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम सदा रहने वाला लोक जो कभी नाश में नहीं आता, और वहां गए हुए प्राणी कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त कर लेगा, उस परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता ने उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में। पहले तो गीता ज्ञान दाता ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया है कि कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करता है जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पांव घूमते हैं। ये सभी साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं, पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जाए ये पाप नाशक नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे। लेकिन जो भी जो साधना कर रहा है उसको अच्छी मानकर श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वह जो साधनाएं अभी मैंने 25 से लेकर 31 तक तुम्हें बताई, इस तरह की साधनाएं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी पापों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने अनर्थ कर रखा है, यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, नहीं वेद की वाणी तो काल बोल ही रहा है, और वेद में लिखा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है, क्योंकि इसने ये चारों वेद जो परमात्मा ने दिए थे वो अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए हैं, इसमें स्वयं ये बीच में वक्ता भी बना है। ये कहता है कि उस परमात्मा के बारे में कोई संभवात माने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो जन्म नहीं लेता निराकार बताते हैं, उसके विषय में भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही वास्तविकता बताएंगे, परमात्मा साकार है व निराकार। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में यह भी स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कहता है कि किसी ने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान कहलाता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। पुणात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी स्वयं परमेश्वर थे, वो संस्कृत भाषा से जानबूझकर अपरिचित सिद्ध क्या करते थे ना, वो तो सब भाषाओं को जानते हैं, इसलिए उन्होंने उसको ये राज रखा रखा था कि कहीं आने वाले समय में जो अब परमात्मा ने ये खोलना था भेद, ये अज्ञान नहीं ये टांग ना अड़ा दें कि कबीर जी भी शिक्षित थे, इन्होंने वेदों को गीता को पढ़ लिया होगा, नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया करते थे, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान दास आज आपके समक्ष कर रहा है। तो ये ज्ञानी कहा करते थे वो तो अविद्वान है, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती, और सारे समाज ने मान लिया था कि कबीर अविद्वान है। वेद कह रहे हैं ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं होती, एक अक्षर ज्ञान को सीख ले, जैसे किसी ना संस्कृत भाषा आती है वो इंग्लिश में अविद्वान है, वो पंजाबी में अविद्वान है, एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान और अविद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है, और वो परमेश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव ये है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया वेदों ने भी कि उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अगर यहां कोई कहे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, पर प्रथम तो ब्रह्म माने वेद नहीं होता, इन्होंने तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के ऐसे अनर्थ किए हैं। ब्रह्म तो समझो परमात्मा है, वेद उसका विधान है, राजा का अर्थ विधान संविधान नहीं किया जा सकता, अगर कोई करता है तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं, उसमें लेखक बताना क्या चाहता है।
तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे मुखे कार तीनों ने अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यही ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ हुआ ठीक किया इन्होंने। सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये तीन मंत्र के दाप का निर्देश है, या त्रिविद समर्थ है, ये तीन प्रकार से इसका सेवन होता है। अब यहां ओम तो ब्रह्म का और तत् ये अक्षर ब्रह्म का और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी ये तत् और सत ये दोनों सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बताओगा और किसी के पास इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में ये ओम तत् सत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् ये पर ब्रह्म का, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में शर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों दो भगवान बताए हैं, और 17वें में कहा कि इन दोनों से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण वही करता है, सबका मालिक कुल का वो मूल रूप परमात्मा वही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ओम तो इस सर्वपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, काल का, जो ये स्वयं भी स्वीकार कर रहा है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। और तत् और सत्य, तत् ये परब्रह्म का है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और सत्य ये भी गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों को मिलकर इनकी तीन प्रकार से विधि है सिमरण करने की, और इसका जाप करने से वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है, और उनको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को अब 4वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई दर्व यज्ञ से, यानी आंख मीच के कि तब मंदिर का लठगटवा दिया, कि तब को दान धर्म कर दिया, कि तब भंडारे करवा दिया, कि तब कंबल बांट दिए। कहते हैं आंखें बंद करके दर्व यज्ञ करने की अपेक्षा वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, वो ज्ञान यज्ञ ही श्रेयकर है, वही लाभदायक है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य सत्संग, तत्वदर्शी संत के वचन उनको सुनना चाहिए, उसके बाद फिर उसके बताए अनुसार विधिवत साधना करने से और दान करने से लाभ होगा, वैसे मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो तत्व ज्ञान, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा गया है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई है, वो कबीर वाणी कहते उसको 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस तत्व ज्ञान से तो गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म भी अपरिचित है, वो अल्पज्ञ है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता। नहीं तो 4 बात और लिख दो, जब 18 अध्याय बोले ये भी कह दो ये बात है, उसमें ये ज्ञान है, ऐसा है नहीं, उसको पता नहीं, उसने उसको नष्ट कर दिया, ये स्वयं भी पढ़ा नहीं। अब उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले वो ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। और ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक वर्णित कर रहे हैं समाज को, कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है? कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यू? और यहाँ 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है, परमात्मा कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है,
भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, जुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहेब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। अब पुण्यात्माओं, आप इन सदग्रंथों को आंखों देखकर स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी, और इनको जो सर्वेश्वर महेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। पुण्यात्मा, अब श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, ये सतोगुण भगवान हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री शिव जी तमगुण और श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी, ये सतोगुण हैं। इनका प्रमाण आपको दिखाते हैं, देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। ये है संक्षिप्त शिव पुराण, रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 110 पर अध्याय नंबर 9 के लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर कहो चाहे रुद्र कहो, इन तीन देवताओं में गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव यानी रुद्र जी, और इनसे अलग, इनमें तो गुण हैं परंतु वो शिव, ये शिव कौन है? ये शिव जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, गुणातीत माने गए, ये इनसे अलग है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों गुण युक्त हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो अलग से कहा कि वो इनसे अलग है, शिव इनसे अलग है, ये काल इनका पिता है। अपने आत्मा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं, और इनके पिता कौन हैं? ये काल रूपी ब्रह्म, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अब ये दास जो वचन बोल रहा है, जो यथार्थ ज्ञान कह रहा है, एक बार प्रत्येक श्रद्धालु के ये बहुत अखरता है, लेकिन जब प्रमाणों को आप साथ साथ देखोगे तो अवश्य स्वीकार करोगे। आज तक अपने को केवल दंतकथा सुनाई, अपने सदग्रंथों का परिचय ये हमें नहीं दे सके, जो नकली गुरु थे। अभी तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बता रहे हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती और इनके कोई माता पिता नहीं है, और इनकी इनके जीवनी में, इनके पवित्र इतिहास में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की माता दुर्गा है और पिता इनका ये काल रूपी ब्रह्म, जिसको सदा शिव भी कहते हैं। ये क्या करता है ये ब्रह्म? इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ काल रूप में नहीं आऊंगा, जिस कारण से ये जो साधक साधना करता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को
विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो श्रद्धालु भ्रमित होकर के ये सोच लेता है कि जो ये सगुण देवता है इन्हीं में से जिसको ब्रह्मा के दर्शन हुए तो वो मान लेता है कि ब्रह्मा जी संपूर्ण परमात्मा है, क्योंकि उसने परमात्मा के लिए साधना की। ऐसे जिसको शिव जी रूप में दर्शन दे देता है वो मान लेता है कि ये तमोगुण शिव ही पूर्ण परमात्मा है। ऐसे ही जिसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है ये, तो वो मान लेता है कि ये श्री विष्णु जी ही पूर्ण परमात्मा है। ऐसे अभी तक ये भ्रम पड़ा हुआ था, लेकिन यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के दिया है। ये तो आपने शिवपुराण से देखा, अब आपको दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण से कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक के मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर हम दिखाते हैं आपको, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। स्पष्ट हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और यही तीन गुण हैं, इन तीन गुण यही देवता हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत भाग एक, अथ देवी भागवतम सभाष्टेकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। इसके तीसरे स्कंद पर श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, इसके प्रश्न नंबर 11 पर अध्याय नंबर 5 का, तीसरे स्कंद का अध्याय नंबर 5, और यहाँ से देखिएगा 8वां मंत्र हम पढ़ते हैं हिंदी में। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, देवी से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानि विष्णु को सतोगुण युक्त किए हैं, युक्त क्यों किए हैं। अब देखिए, ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत पढ़ते हैं। 8वां श्लोक प्रारंभ हुआ, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, हे माता, यदि आप हमारे पर दयालु हो तो मुझे किस लिए बना दिया, कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया, तमोगुण तमोगुण और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, सुवीत किमो सतोगुण हरि और श्री विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से भिन्न इनके पिता हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये अलग हैं। ये कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं ये शिवपुराण से। शिवपुराण के आप आइए 24 पृष्ठ पे, ये है श्री शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अभी आपको दिखाई थी, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। यह विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण और 24 पृष्ठ पर ये आपने देख रहे हो कि एक तरफ तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, एक तरफ विष्णु जी खड़े हैं। इन दोनों में इस बात पर युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गई थी। विष्णु जी कह रहे थे ब्रह्मा जी को, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं तेरा बाप हूँ। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इस काल भगवान इनके पिता ने इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। ये एक
पिलर खड़ा कर दिया तेजो में। ये दोनों झगड़ा बंद करके आपस में शांत हो गए, तब वो काल रूपी ब्रह्मिन का पिता प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल जो है शिव रूप में प्रकट हो गया वहाँ पर। मेरे कर्तव्यों को, भगवान शिव बोले यानी ये काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है। यद्यपि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूँ। आगे देखो, ये 25 पृष्ठ पे आपने पढ़ा, अब 26 पे देखते हैं। ये 26 पे देखते हैं, यहाँ नीचे आते हैं। अब ये काल बोल रहा है, शिव रूप में खड़ा है और कहता, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और ये इनसे अलग है जो इनका पिता है, जो इनको पुत्र रूप से नाम से संबोधित कर रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है जिसको ब्रह्म बोला जाता है, ये स्वयं काल है जो गीता जी में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता जी के ज्ञान में, श्री कृष्ण जी का बॉडी प्रयोग करके ये काल बोल रहा है। यहाँ क्या बताता है, अभी आपको दिखाते हैं। 26 पृष्ठ पे ही विध्वेश्वर संहिता में, ये विध्वेश्वर संहिता चल रही है, प्रश्न नंबर 24 से आपको दिखाते आ रहे हैं। अब देखिए 26 पृष्ठ हम देख रहे हैं। अब वो कह रहा है कि यहीं से हम पढ़ रहे थे, जबकि यहाँ तक पढ़ लिया कि पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो उत्तम अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी और रुद्र से अलग है जो इनका पिता है। वो यहाँ क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अपुन आत्माओं, ये देखना, ओम नामक एक अक्षर हो गया, ओम एक अक्षर। अब आप जी को श्री मद भगवत गीता के अंदर दिखाते हैं। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म बोल रहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म बोल रहा है और कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम एक अक्षर है और जो उच्चारण करता हुआ, उच्चारण करके करने का, जो उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे वाली
परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात ओम नाम से जो प्राप्ति होती है उसको प्राप्त होता है। ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी दहनम राठ के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है, उनका भी जन्म और मृत्यु बना रहता है, पुनक्षीण होने पर वह फिर दोबारा पृथ्वी पर अन्य प्राणियों की योनियों को भोगते हैं। तो इसे सिद्ध है कि ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्ति कर भी लेते हैं तो भी वो पूर्ण मुक्त नहीं होते, उनका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त नहीं होता। पुण्यात्मा, जो श्री विष्णु जी को अर्थात श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कहते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, तो वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपुण्यात्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनको श्री गीता जी में किस संज्ञा से संबोधित किया गया है, उनको क्या उपमा दी गई है? आपको गीता जी से रूबरू कराते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब हम आते हैं इसके सातवें अध्याय में, ये है अथ सप्तमो अध्याय, सातवां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से समग्र यानी संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझ को संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब सातवें अध्याय का दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कह रहा कि ऐसा ज्ञान दे दूंगा, इस ज्ञान को समझने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखिएगा, अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से शुरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अपने आत्मा तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं। सतगुण विष्णु जी से सतीथि, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और तमगुण शिव जी से संहार, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ज्योति निरंजन काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, इनको श्राप लगा हुआ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है।
तो जिस कारण से ये अपने इन तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है,